अब एक बात बताओ, कोई भी बन जाएगा आला कमान बना के भेजेगा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? मुख्यमंत्री जो भी होंगे ये आला कमान तय करेंगे कि ये नीचे के किसी को इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पर दिख रहा है तो वो है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जल्दी नामांकन भरने वाले हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आधार पर सीएम गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। आलाकमान के दो टूक संदेश के बाद से चर्चा ये भी है कि टोंक विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए आलाकमान से हरी झंडी मिल गई है। इन चर्चाओं के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्मई हुई है। एक तरफ जहां पार्टी विधायकों एवं मंत्रियों का पायलट के साथ मुलाकात का दौर जारी है, तो वहीं इन दिनों पायलट के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। चांदना ने कहा कि कोई भी बन जाएगा मुख्यमंत्री तो इसमें नीचे के किसी से भी राय या मशवरा पूछा नहीं जाएगा। जो भी बनेगा तो कोई क्या बिगाड़ देगा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन की तैयारियों के साथ ही कांग्रेस में अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान की कमान सौंपने का आलाकमान ने मन बना लिया है। यही कारण है कि शुक्रवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली से जयपुर लौटे सचिन पायलट ने सीधे एयरपोर्ट से विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के कक्ष में पूर्व मंत्री रघु शर्मा के साथ पार्टी विधायकों एवं निर्दलीय विधायकों के साथ बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों से मुलाकात की। यही नहीं, मुलाकातों का दौर आज शनिवार को भी उनके आवास पर लगातार जारी रहा। सचिन पायलट के आवास पर मंत्रियों विधायकों के आवागमन से ये तो तय हो गया कि सचिन ही राजस्थान के अगले पायलट होंगे। लेकिन पार्टी विधायक मीडिया में अलग अलग बयान देकर सियासी माहौल में गर्माहट पैदा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सचिन पायलट से खासे नाराज आ रहे खेल मंत्री अशोक चांदना से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वे कुछ उखड़े उखड़े से नजर आए। चांदना से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की बात हो रही है, आपको क्या कहना है, इस पर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि तीन चार लोगों के अलावा किसी को पता नहीं है और मुझे लगता है कि जब तक कोई बनेगा नहीं तब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज आप मानना मत, क्योंकि कई तरह की बातें आएंगी, कई तरह की अफवाहें आएंगी। मुझे लगता नहीं है कि देश में चार लोगों से ज्यादा किसी को पता है कि क्या होने वाला है। गलियारों में तो हर प्रकार की चर्चा है, गलियारों में तो काम ही लोगों में चर्चा करना ही है। इस दौरान चांदना से जब सवाल पूछा गया कि फिर भी कौन होगा नया मुख्यमंत्री तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब एक बात बताओ, कोई भी बन जाएगा आला कमान बना के भेजेगा तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई बदल सकता है क्या? तो बन जाए वैसे ही राजस्थान चलने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जो भी होंगे ये आला कमान तय करेंगे कि ये नीचे के किसी को इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। और जहां तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन एक महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाएगा। अब उस एक महीने का आप लोग इंतजार करें, दो दिन पहले खबर चल जाएगी उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। वो तो जो होना है वो तय है और वो तय है वो चार ही लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं। वहीं जब चांदना से उनका भी सीएम पद की रेस में आने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत छोटे हैं, अभी हमारे को बहुत सीखना है। अभी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में जो इस काम को अगले 10-20 साल तक बहुत आराम से देख सकते हैं, तो हमारी अभी इस प्रकार की कोई गलत खबर आप चलाना मत, कहीं हाथी का पैर रखवा दो अभी से पार्टी को जिम्मेदारी खबर चलानी हो जाएगी, हमारे हाथी का पैर रख जाएगा, तो ऐसा काम मत कर देना। मैं तो इंदौली नैनवा में काम करके संतुष्ट हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।